आगे बढ़ते हैं। देश और दुनिया के नामी कार्डियोलॉजिस्ट जयपुर में एकत्रित होंगे। मौका होगा कार्डियोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया की नेशनल कॉन्फ्रेंस का, जिसका शुभारंभ 30 सितंबर को राज्यपाल कलराज मिश्र करेंगे। दो दिवसीय कॉन्फ्रेंस में कार्डिक प्रिवेंशन पर विशेष फोकस रहेगा। इसमें हृदय रोग से बचाव पर देश भर के नामी विशेषज्ञ चर्चा करेंगे। इस दौरान एक विशेष सेशन में समाज के विभिन्न प्रबुद्धजनों को भी जागरूक किया जाएगा। कॉन्फ्रेंस के विभिन्न सत्रों में हृदय रोगों से संबंधित नए शोधों पर पत्र वाचन, स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज, हार्ट फेलियर, कोलेस्ट्रॉल रिस्क, रूमेटिक हार्ट डिजीज, सीएडी, आरएचडी समेत कई ज्वलंत मुद्दों पर व्याख्यान होंगे। वहीं जॉइंट ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी डॉक्टर दिनेश गौतम ने बताया कि 4 इंटरनेशनल फैकल्टी भी शामिल होंगे। कॉन्फ्रेंस में यूके से प्रोफेसर नील पॉल्टर, न्यूयॉर्क से प्रोफेसर रॉबर्ट एस जोरेंसन, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर पीसी डीडवानिया, यूएसए से प्रोफेसर संजीव गुप्ता शामिल होंगे। तो कॉन्फ्रेंस के एक दिन पहले 29 सितंबर को साइक्लोथोन का भी आयोजन होगा। कॉन्फ्रेंस के उद्देश्य को लेकर आयोजकों से खास बातचीत की हमारे सहयोगी विकास शर्मा। कोरोना के बाद एक सबसे बड़ी चिंता उभर कर आई है, सडन कार्डिक अरेस्ट, और इस बीमारी, इस समस्या का समाधान और उसके पीछे कारणों का अध्ययन करने के लिए जयपुर के अंदर पूरे देश और विदेश के जो कार्डियोलॉजिस्ट है अगले दो दिन जयपुर में जुटेंगे। 30 और 1 तारीख को बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसमें पूरे देश और विदेश के डॉक्टर्स यहाँ जुटेंगे। उसकी पूरी तैयारियाँ कर ली गई है। हमारे साथ मौजूद है एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर राजीव बरगट्टा, उनसे बात करते हैं। सर, एक बड़ी कॉन्फ्रेंस, बड़ा सोच, ट्रीटमेंट के बजाय प्रिवेंशन, कैसे देखते हैं? बिल्कुल, ये अपने में एक अनूठी कॉन्फ्रेंस है और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि एसएमएस हॉस्पिटल और एसएमएस मेडिकल कॉलेज के तत्वाधान में कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की 5वीं कार्डिक प्रिवेंट कॉन्फ्रेंस यहाँ पर जयपुर में आयोजित की जा रही है, जिसमें कुछ विभिन्न पहलुओं पर विचार किया जाएगा, जहाँ पर कि हम ट्रीटमेंट के बजाय उसके प्रिवेंशन बीमारियों के, जो हृदय रोग की जो हृदय रोग हैं उनके प्रिवेंशन के बारे में बात की जाएगी। ऐसा कभी बहुत कम हुआ है कि किसी कॉन्फ्रेंस में या किसी गोष्ठी में हम केवल प्रिवेंशन की बात करें। अमूमन ऐसी कॉन्फ्रेंस हुई हैं जहां पर कि ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन के बारे में साथ साथ बात हुई है, पर ये कॉन्फ्रेंस केवल और केवल उपचार के बारे में ना बात करते हुए बीमारियों की रोकथाम के बारे में बात करेगी। और इसमें ना केवल दवाइयों के बारे में, परंतु और कौन से हमारे पास ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ मौजूद हैं ट्रीटमेंट करने के लिए, जेनेटिक थेरेपी क्या है, जो आम जनता के लिए बहुत ही एक जिज्ञासापूर्ण क्वेश्चंस हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करें तो कौन सा दूध फ़ायदेमंद होता है, योगा किस तरह हेल्प कर सकती है, कितनी एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए, जेनेटिक पहलू के बारे में बात की जाएगी। तो एक वृहद कॉन्फ्रेंस यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ की जा रही है, जो कि रोकथाम के बारे में। कार्डियोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया के राजस्थान चैप्टर के अध्यक्ष हैं डॉक्टर एस एम शर्मा, उनसे बात करते हैं। सर, कोविड के बाद में पूरा परिदृश्य बदला है, सडन कार्डिक अरेस्ट की घटनाएं लगातार बढ़ रही, चाहे वो देश की बात करें चाहे राज्य की बात करें, यंग डेथ हो रही है। क्या इस कॉन्फ्रेंस के पीछे का मकसद रहेगा उसको अध्ययन करने के लिए, और किस तरह ये केस जो बढ़े हैं उसके पीछे कारण क्या है? सर देखिए, सडन कार्डिक डेथ को इसमें ज़रूर माना देखा जाएगा, क्योंकि सडन कार्डिक डेथ का बचाव भी इसमें डिस्कस किया जाएगा। लेकिन ख़ास तौर से जैसा आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन है, कोविड के बारे में जो है वो ICMR और इंडिया इंस्टीट्यूट में जो वहाँ पे परीक्षण चल रहा है, वहाँ बहुत सारी स्टडीज चल रही हैं जो कि ये प्रूव करेंगी कि ये कोविड था या वैक्सीन से कुछ रिलेटेड थी, जिससे कि सडन कार्डिक डेथ बढ़ी हैं। लेकिन हाँ, ये बात ठीक है कि सडन कार्डिक डेथ बढ़ी हैं और यंग डेथ भी बढ़ी हैं। अब ये कोविड से है या कोविड की वैक्सीन से है, ये जो सब्जेक्ट है विचाराधीन है। जबकि ये कॉन्फ्रेंस जो है ये हम बचाव के लिए करेंगे, सडन कार्डिक डेथ के बचाव के लिए भी और किसी भी कार्डिक डिजीज़ के बचाव के लिए हम ये कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ऐसा है कि राजस्थान चैप्टर के सचिव हैं डॉक्टर दीपक माहेश्वरी जी, उनसे बात करते हैं। सर, आम तौर पर देखा जाता है कि डॉक्टर्स की जब भी कॉन्फ्रेंस होती है तो साइंटिफिक सेशन होते हैं, इंटेलेक्चुअल डिस्कशन होते हैं, मेडिकल टर्मोलॉजी में इंटरेक्शन होते हैं, लेकिन जन भागीदारी सुनिश्चित जो है वो करना बहुत ज़रूरी है। इस परिप्रेक्ष्य में जब कार्डिक अरेस्ट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इस तरीके उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना क्या कह रहे हैं? देखिए, ये कॉन्फ्रेंस का जो जैसे सर ने बताया, ये कॉन्फ्रेंस प्रिवेंशन के लिए है, तो प्रिवेंशन पे जो डिस्कशन होगा, हम सब लोगों का बहुत मन था कि वो सीधा लोगों तक पहुँचे, तो उसके लिए हमने एक सेशन बनाया है।
तो एक घंटे का, उसमें सारे स्पीकर्स आगे जो भी डिस्कशन होगा उसको आप तक पहुंचाएंगे। दिनेश गौतम जी, उनसे बात करते हैं सर कि कॉन्फ्रेंस की शुरुआत से पहले साइक्लोथॉन भी होगी और जयपुर शहर में एक मैसेज दिया जाएगा कि कार्डियोलॉजिस्ट जयपुर में पहुँच रहे हैं, उनसे जो संवाद किया जाए उसके लिए वो सब आमंत्रित किस तरह से करेंगे? देखिए, क्योंकि वर्ल्ड हार्ट डे भी है और हमारी कॉन्फ्रेंस की जो थीम है वो भी यही है कि हाउ टू प्रिवेंट द कार्डियक डिजीज़, उसको ध्यान में रखते हुए हमने 29 तारीख को सुबह 6 बजे एक साइकिल रैली का आयोजन किया है, जिसमें हमारे जो फैकल्टी हैं प्लस हमारे जो रेजिडेंट हैं, हमारे जो मेडिकल स्टूडेंट हैं, उनके अलावा हमने आम पब्लिक को और आप लोगों को भी आमंत्रित किया है और आप उसमें आमंत्रित हैं सादर। तो इससे एक मैसेज देने की कोशिश की जाएगी कि कार्डियक डिजीज़ को अर्ली अवस्था में, यंग अवस्था में रोक करके और अपन किस तरह से इसकी बीमारी का प्रोग्रेशन रोका जा सकता है और बीमारी को सिस्टम को इन्वॉल्व होने से रोका जा। ये कॉन्फ्रेंस है, जन भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी, साथ में एक मैसेज दिया जाएगा कि लोग कैसे अपने दिल का ख्याल रखते हैं ताकि जिस तरह से नई नई बीमारियां सामने आ रही है उनका समाधान हो सके। कैमरा पर्सन राकेश के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट न्यूज़ जयपुर।